भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में करंट ऑफिस चलो धरना, करंट ऑफिस का घेराव कार्यक्रम आज था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेकर आज तक महीना 100-200 रुपए करंट बिल आता था, ऐसे गरीब लोगों को आज हजारों रुपए लाखों रुपए करंट बिल तेलंगाना सरकार भेज रही है। एक तरफ लॉकडाउन से त्राहिमाम है तेलंगाना में, पूरे विश्व में, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री गरीबों के नेता, सिर्फ बातों के नेता है, लेकिन आज वही गरीबों को करंट बिल हजारों रुपए उन गरीब लोगों को भेज रहे। तो मुख्यमंत्री को मैं पूछना चाहूंगा कि वो लोग कहां से बनेंगे? पहले तो लॉकडाउन के कारण कोई काम नहीं है, बेरोजगार है सब लोग, ऐसे समय पर आप हजारों रुपए उनको करंट बिल आप भेजेंगे, बंद हो बोलकर उन पर प्रेशर डालेंगे, नहीं बंदे तो करंट टोटल कट कर देंगे, इस प्रकार से वार्निंग आपके अधिकारीगण दे रहे, तो कहां से हो गया मुख्यमंत्री जी? कम से कम उन लोगों की आवाज आप तक पहुंचाना है, उन करंट के अधिकारियों को सही तरह से जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज एक प्रोटेस्ट कार्यक्रम लगाया गया था, वो भी आप करने नहीं दे रहे, हमारे को हाउस अरेस्ट कर रहे आप। तो मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि अगर कोई भी पार्टी के कोई भी व्यक्ति अगर आपके पार्टी के कोई भी विरोध में अगर कोई कार्यक्रम करेंगे तो क्या आप उनको हाउस अरेस्ट कर देंगे? गरीब जनता की जो परेशानी है, अगर उस परेशानी को ले लेकर कोई भी पार्टी अगर आगे बढ़ेंगी तो क्या आप उनको अरेस्ट कर लेंगे? क्या उन पर जुल्म करेंगे? ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री का ये नीति चल रही है तेलंगाना में कि कोई भी गरीब आदमी के लिए बात नहीं करना है, कोई भी हॉस्पिटल के लिए बात नहीं करना है, जो भी बात करेगा, जो भी प्रोटेस्ट करने का प्रयत्न भी करेगा उसको अरेस्ट। आज हमारे को पूरा हाउस अरेस्ट करके रखे है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकारीगणों को हाउस अरेस्ट करके रखे है। क्यों? क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग करंट इश्यू पे कोई धरना प्रोटेस्ट नहीं करना, ये मुख्यमंत्री जी की नीति चल रही है तेलंगाना में।